मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। विजय भाई कैसे हैं? अच्छे हैं, थैंक यू। और नमस्कार, और आने वाले ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सारे लोगों को विजय कुमार गुप्ता की तरफ से। और कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? बब्बर का वर्क पूरा कंप्लीट है, ट्रेलर रिलीज हो गया, टीजर रिलीज हो गया, बस हम लोग गाने की रिलीजिंग के ईद पे हो सके गाना रिलीज करेंगे हम लोग, और उसके बाद ईद के बाद आपको बहुत जल्दी मूवी देखने को मिलेगा बब्बर का। बब्बर में आपके साथ कौन कौन है बताएंगे? बब्बर में हम और सुपरस्टार अपने अरविंद अकेला कल्लू, संजय पांडे जी और मोहिनी घोष, तनुश्री, ब्रजेश त्रिपाठी जी, बहुत सारे स्टार मास्टर और सारे लोग करीब। बब्बर किस जोनर की फिल्म है? बब्बर एक आम लड़का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवी से लड़ता है, एक नए पैटर्न की फिल्म है और एक नई जोनल की फिल्म है, तो उसमें काफ़ी एंजॉय मिलेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को, पब्लिक को। बब्बर में टोटल 7 गाने हैं। किसने बनाया है? और घुंगरू जी ने म्यूजिक दिया है बब्बर में, और 7 गाने, जो 2 गाने मेरे ऊपर हैं और ऑलरेडी 5 गाने अपने सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी के ऊपर में हैं, और ऑलरेडी पूरी पिक्चर कंप्लीट है। किसने फिल्म में गाना गाया है आपके ऊपर? आलोक जी, और आलोक जी ने मेरा दोनों गाना गाया है, बाकी तो कल्लू जी ने सारे गाने अपने गाए। सर कैसा लगता है कल्लू जी का गाना, जरा बताएंगे? कल्लू जी का गाना तो अच्छा ही लगता है, हम लोग बचपन से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऑलरेडी ट्रेलर में गाने देखे हैं तो रिव्यू भी अच्छा है और लोगों का कमेंट भी अच्छा है कि गाने बहुत अच्छे हैं और सारी चीज़ें। अरविंद अकेला कल्लू साथ काफ़ी टाइम आपने बताया शूटिंग दरमियान जी, कुछ उनके द्वारा ऐसे कुछ बातें बताइए जो आपके साथ घटित हुआ हो? नहीं, कल्लू के साथ तो हमें काम करके बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मूवी जरूर उनके साथ में दोबारा करूंगा, क्योंकि बाई नेचर और बहुत सारी चीज़ों को उनके जो मतलब वो रहते हैं एक भाई का दर्जा देना, बहुत अच्छा, बहुत प्यार और बहुत ही अच्छे हैं, जितना भी तारीफ करें उनका कम है। फिल्म के डायरेक्टर के बीच में आपके से कुछ विवाद चल रहा था, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, विवाद क्या, देखिए जब कोई काम, बड़ा काम करने जाएंगे तो एक आपस में तो उतना खुटपुट होता ही रहता है, जब जहाँ पे कहते हैं ना गांव की एक कहावत, जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो कैसा काम किया चंदन जी ने? बहुत अच्छा काम किया, और उस काम का मेहनत और आज सारे लोगों के बीच में ट्रेलर है और उसका जो रिस्पांस है उसको देख के बहुत खुशी मिलता है, और ये लगता है कि नहीं, एक अच्छी मूवी और एक अच्छा मेकिंग किया उन्होंने। दर्शक इस फिल्म को कब तक देख सकते हैं? दर्शक इस फिल्म को देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि जून में इस फिल्म को जरूर थिएटर में लगाएं, बाकी कैसे क्या रहता है समय देखते हुए उस मूवी को जरूर लगाएंगे, और बहुत जल्दी, मतलब हम खुद उत्साहित है इस फिल्म को लेकर कि कितनी जल्दी से जल्दी हम इस पिक्चर को रिलीज करें। बब्बर के बाद आपका नया प्रोजेक्ट क्या चल रहा है जी? बब्बर के बाद में मेरी तैयारी अभी चल रही है जलजला को लेकर के, जिसमें एज ए हीरो मैं कर रहा हूँ, और अपने जो है विलन राजप्रेमी जी हैं, यश कुमार जी म्यूजिक दिए हैं, तो बीरू ठाकुर राइटर हैं, जय कुमार गुप्ता डायरेक्टर हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द हम लोग फ्लोर पर पिक्चर लेके जा रहे हैं। कैसा लगा अजय जी के साथ आपको मिल करके, उनसे बातें करके? बहुत अच्छा लगा, बाई नेचर और बहुत मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, और इसीलिए दूसरी फिल्म हम उनके साथ कर रहे हैं, फिर देखा जाएगा आगे नेक्स्ट क्या होता है। क्या किस जनर की फिल्म होगी जलजला? जलजला जैसे बब्बर आपने देखा है, बब्बर से कहीं ऊपर की फिल्म होगी, और एक्शन पैटर्न की मूवी है, एक माँ के प्रति जो विश्वास होता है भगवान से, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको उसमें दिखने को मिलेगा, और बीरू ठाकुर जो राइटर है वो तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं आपके, पवन सिंह की सारी बड़ी फिल्में वो लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, और पूरा साउथ पैटर्न की मूवी लिखते हैं, और मतलब कहानी मैंने सुनी तो बहुत अच्छी कहानी है जलजला की, और अच्छा लगेगा पब्लिक को भी और दर्शकों को, जब भी फिल्म आएगी आप लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जिस तरीके से बब्बर में देखने को। जलजला में आपके साथ कौन सी हीरोइन होंगी और कौन से कास्ट होंगे बताएंगे? देखिए हीरोइन के लिए अभी हीरोइन की तलाश जारी है बब्बर के लिए, सॉरी जलजला के लिए, और अभी जलजला के लिए हम लोग स्टार कास्ट मतलब हीरोइन के लिए 2-3 लोगों से बातचीत चल रही है, तो मैं चाहता हूँ नाम हम जल्दी आप लोगों के बीच में और अनाउंस करेंगे, ज़रूर बताएंगे। मुझे हीरोइन रखिएगा। आप हीरो का काम करिए वो बेहतर है। अच्छा, जलजला शूट कब की जाएगी और कहाँ करेंगे? देखिए जलजला तो यूपी में शूट करेंगे, सिद्धार्थनगर हम लोगों की प्लानिंग है, और सिद्धार्थनगर कैसा है कि अपना एक जन्मस्थली भी है, तो हम सिद्धार्थनगर से ज़्यादा लगाव है तो वहाँ पे शूट करेंगे, और हम लोग जुलाई में ज़रूर शूट करेंगे जलजला। अभी आपकी एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री की है रितु सिंह के ऊपर एक हमला हुआ है शूटिंग दरमियान जी, जिसमें हीरो राकेश मिश्रा जी थे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये जो घटना हुई बहुत दुखद घटना है हम इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और कहीं ना कहीं इस पर
कुछ सपोर्ट भी होना चाहिए। और हालांकि जो अभी हमारी वहाँ की पुलिस और जो सहायता हुई, हमें लगा बहुत जल्दी ही वहाँ पे मतलब चीज़ों को काबू किया गया। और सुरक्षाएं मिलनी चाहिए आर्टिस्ट को, क्योंकि सारे लोग अगर इस तरीके से होगी तो हमारे लिए शायद बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से दोबारा सरकार बन रही है, उसके ऊपर मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत ढेर सारी जीत की बधाई देना चाहता हूँ। और आगे 5 साल वो हम लोगों के लिए और युवक के लिए कुछ अच्छा करते रहे, यही हम लोगों का। भोजपुरी से 2 नेता जीते हैं, एक रवि किशन, दूसरे मनोज तिवारी। मैं आप दोनों लोगों को विजय गुप्ता की तरफ से जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। और रवि किशन जी हमारे यहाँ गोरखपुर से जीते हुए हैं, तो ज़रूर मिलेंगे भी जाके। और जो भी होगा हम लोग जहाँ भी होगा जैसा सपोर्ट करेंगे भी और सपोर्ट लेंगे भी। थैंक यू सर। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.